दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू। BRTS की हम बात करें, BRTS के रिव्यू की बात आपने भी कही है, मेट्रो की भी बायबिलिटी पर सवाल पिछली सरकार में भी उठे थे, इस सरकार में भी उठ रहे हैं कि जो मेट्रो की बायबिलिटी है वो अभी जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश को, और उसके एवज में आप एक बहुत बड़ा कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर लाने जा रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकार हो, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों प्रोजेक्ट को वापस रिव्यू करना चाहिए और इसकी बायबिलिटी पर एक बार फिजिबिलिटी भी इसकी चेक करनी चाहिए? जहाँ तक सवाल BRTS का है, इंदौर में फिर भी एक हद तक सफल हुआ है BRTS। वहाँ पर लगभग 60,000 पैसेंजर प्रतिदिन इंदौर BRTS में रहते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। भोपाल BRTS में ये बात हमको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उम्मीद थी उसको चलने की, वो नहीं चल पाई है। हमने इस बाकी चर्चा भी की है कि इसका भविष्य में एक्शन क्या होना चाहिए इस पर, और इसमें हमारा सबसे पहला कदम यही रहेगा कि जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं, जो कुछ ऐसे सिलेक्ट लोग हैं जिनके पास नॉलेज हो ट्रांसपोर्ट के बारे में, शहर की ग्रोथ के बारे में, शहर के विकास के बारे में, उन सब के साथ हम डायलॉग क्रिएट करें, उनसे चर्चा करें कि उनकी क्या सोच है। क्योंकि अगर अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो बस की टाइमिंग्स हो, चाहे वो लिंकेज हो बिटवीन द BRTS सिस्टम एंड द टैक्सी सिस्टम, कि वो क्या हमने वो ठीक लिंक नहीं कर पाया है। तो अगर हम इसको बेहतर लिंकेज करा सकते हैं तो उसका भी हम विचार करेंगे, और अगर उसका अगर हमको ये लगे कि नहीं BRTS कहीं ना कहीं बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पा रही है, भोपाल में इसका संभावना भी नहीं है, तो फिर हम इतना बड़ा एक रोड का हिस्सा आरक्षित क्यों रखें। तो दोनों चीज़ों पर विचार चलेगा, क्योंकि हमें भी लगभग 10 दिन हुए हैं ऑफिस में, और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट जरूर है कि BRTS भोपाल के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। और मेट्रो की फिजिबिलिटी को लेकर के, मेट्रो का की चर्चा लगभग पिछले 10 साल से चलते ही आ रही है, और जहाँ तक मुझे लगा कि क्योंकि पूर्व सरकार जो भाजपा की थी वो जल्दबाजी में थी दिखाने के लिए कि हमने नारियल फोड़ दिया, तो नारियल फोड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें अवॉर्ड भी कर दिया, लेकिन उससे जो एक प्लानिंग शायद उनको ठीक से करनी चाहिए थी, जो उनको वैलेबिलिटी के बारे में और थोड़ा विचार करना चाहिए था, शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, मेट्रो का बड़े शहरों में एक ऑफकोर्स एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। मेट्रोस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी सरल हो जाता है, और फ्यूचर है मेट्रो कोई भी बड़े शहर का। और हम भोपाल को आज भी भोपाल की सीमा में नहीं देखें, हम भोपाल को 30-40 साल बाद देखें, तो लेकिन जैसे आपने कहा, जो इसका फाइनेंशियल वायबिलिटी है, जो वित्त प्रबंधन है, उसको भी देखना होगा। और इसमें संभावित तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे भी इसमें ऋण लेने का उसमें प्रावधान है, और जो विदेश के कंसल्टेंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। जैसे कल ही लंदन के उप महापौर जो इंदौर के रहने वाले हैं राजेश अग्रवाल जी, वो भोपाल में थे, और लंदन का जो मेट्रो सिस्टम है और वहाँ पर जो लिंकेज है, वहाँ पर एक ही कार्ड से आप मेट्रो में और बस में बैठ सकते हैं, बस एक बार स्वाइप करने के द्वारा। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी वहाँ चल रही है, हमने उनसे इन सब चीज़ों के बारे में बात भी की, तो हम उनसे कंसल्ट करेंगे और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और फिर हम निर्णय लेंगे कि प्रदेश की जनता के लिए सबसे वायबल क्या रहेगा। दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू।